नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस भेजे हैं, चार पांच स्टिलाइफ बनाकर बताई हैं, उसकी लाइन ड्राइंग बनाकर बताई है अपने वीडियो में अलग से, किसी वीडियो में उसका रेंडरिंग बनाकर बताई है। करीब जितने मैंने आपको स्टिल लाइफ के वीडियो भेजे हैं, सभी की रेंडरिंग भी बनाकर बताई है। अभी अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टिल लाइफ बनाकर बताई थी कि भी किस तरह से हम इस वस्तु का चित्रण करेंगे। बताया था कि इसमें किस तरह से लाइन ड्राइंग करेंगे, इसके लिए पेपर हमको कैसा लेना है, शीट जो लेनी है वो लंबाई में लेनी है या हमें आड़ी शीट लेनी है, हॉरिजेंटल इसको बनाना है, ये भी हमने बताया था कि इस वस्तु चित्रण को कैसे बनाना है। क्योंकि ये वस्तु चित्र का एक समूह है और इस समूह को हमने लंबाई और चौड़ाई की यानी द्विआयामी चित्रतल पर बनाया है, यानी टू डायमेंशनल रूप में बनाया है। क्योंकि आप देख रहे हैं इस स्टिल लाइफ में कोई लंबी चीज नहीं रखी है, इसलिए ये आड़ी शीट पर बनेगा। ये चीज आपने अभी जब मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें स्केच करके बताया था और लाइट एंड शेड के बारे में भी समझाया था। क्योंकि जो भी हम वस्तु चित्र समूह बनाते हैं उसमें हम गोलाई कैसे देते हैं, क्या माध्यम है हमारे पास गोलाई देने का? गोलाई देने का माध्यम है छाया प्रकाश, वरना आप इसमें छाया प्रकाश नहीं बनाएंगे तो ये चीजें बिल्कुल प्लेन सपाट हैं, इसमें कोई गोलाई नहीं दिखेगी आपको, कलर भी वही सादा कलर, सिंपल कलर्स दिखाई देंगे। तो गोलाई के लिए हमें इसमें छाया प्रकाश लगाना आवश्यक है। फिर इसी चीज को हम रेंडरिंग बनाते हैं, इसी चीज की हम रेंडरिंग बनाते हैं, यानी रचनात्मक रूप से हम कार्य करते हैं, रचनात्मक चित्रांकन करते हैं, चित्र संयोजन बनाते हैं रचनात्मक रूप से। सौंदर्य उसमें आना चाहिए, सौंदर्य का पुट हमारे हर चित्र में जरूरी है। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग है, यानी हम में एस्थेटिक सेंस यानी सौंदर्य का सेंस जरूर होना चाहिए। एस्थेटिक सेंस जिसे बोलते हैं, एस्थेटिक्स के हम एक स्टूडेंट हैं, सौंदर्य शास्त्र के हम स्टूडेंट हैं, तो हमारी कला में भी सौंदर्य का पुट आना जरूरी है। इसी तरह आप देखिए, जैसे मैंने ये जो चीजें बताई हैं इसको हम रेंडरिंग बनाएंगे, इसकी हम इसका रेंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। अब आप देखिए, एक चीज के काफी फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही चीज का एक ही फॉर्म हो, हम उसी शेप में उसको बनाएं, हम उसको कई तरह से बना सकते हैं। जैसे आप उदाहरण लीजिए कि एप्पल है, एप्पल के भी कई रूप हो सकते हैं। आप ऊपर से इसको देख रहे हैं, इसका तला अलग तरह का है, इसके ऊपर का अलग तरह का है, इसका पोर्शन, इसको अगर हम काटेंगे तो वो अलग तरह का होगा। अमरूद है, अमरूद को काटेंगे उसके अंदर बीज निकलेंगे। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि जब हम रचनात्मक रूपांकन करते हैं, रचनात्मक संयोजन करते हैं, तब हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं कि किस तरह से हम इसके कितने फॉर्म्स बना सकते हैं। यानी आपके मानस पटल पर बहुत सारे विचार आएंगे, हम इसको कैसा कैसा बना सकते हैं, और वो विचार यहाँ आपका अभिव्यक्ति, जो आप रचनात्मक अभिव्यक्ति करेंगे वो क्या है, वो आपके विचारों का समूह है। आप अपने विचारों को यहाँ पे उतारेंगे, आप यहाँ अभिव्यक्त करेंगे, और अभिव्यक्ति में आप देखेंगे कि आपके विचार कहाँ तक सौंदर्य को अपने में समाहित किए हुए हैं। जब भी कोई
पेंटिंग बनाता है, जब भी कोई कलाकार कला कार्य करता है, तो उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि कला में सौंदर्य का समावेश। अभी आप रेंडरिंग बनाएंगे तो आपका लक्ष्य क्या रहेगा? उसको सौंदर्यपूर्ण तरीके से बनाना, उसमें सौंदर्य का समावेश करना। हर रेंडरिंग में सौंदर्य का पुट होना जरूरी है। रचनात्मक कार्य आप करते हैं तो ये लगता है कि आपके विचारों में कितनी परिपक्वता है, आपके विचार कितने परिपक्व हैं, आप कितनी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है, कोई हम कल्पना करते हैं, तो उसको जब हम अभिव्यक्ति का रूप देते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें सौंदर्य का होना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, इस चीज को अपन रचनात्मक रूप में बनाएंगे। अभी मैंने आपको जो रेंडरिंग्स बनाकर बताई थी, काफी रेंडरिंग हॉरिजेंटल बनाई थी, काफी वर्टिकल में बनाई थी, इसको भी हम हॉरिजेंटल शीट पे मैं आपको बनाकर बताऊंगी कि किस तरह से द्विआयामी, आप लोग शीट पर बनाएगा, मैं बोर्ड पर बना के बता रही हूँ कि किस तरह से द्विआयामी पट पर हम इसको रचनात्मक रूप दे सकते हैं। जैसे मानिए एप्पल है, ठीक है, एक रूपाकार हो गया। अलग से आपने जो टमाटर बनाया है, ऐसा हो सकता है टमाटर का ये जो है ऊपर जो टमाटर का डंडी वाला पोर्शन है, ये हम ऐसा बना सकते हैं। जो इसको इसके रूपाकार बनाने वो हमें स्वयं तय करने हैं। जो रेंडरिंग बनानी है हमें हमें इसकी जो आकार है, जो रूप है इसका, वो हमें स्वयं तय करना है कि हम उसको कैसा बनाएं। दूसरा एप्पल है, ये गोल भी हो सकता है, चौकोर हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, आयताकार आकार हो सकता है। आकारों में किसी भी तरह का परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसके लिए चित्रकार बाउंड नहीं है, आप किसी तरह, आपको बाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही तरह के रूपाकारों का प्रयोग करें। आप चाहे हर रूपाकार में आप गोल आकृति दे सकते हैं, चाहे हर रूपाकार को आप लंबी आकृति में बना सकते हैं, लेकिन हमें बनाना रेंडर्ड फॉर्म में है, रचनात्मक रूप में है। सेम ऐसा कि ऐसा हमें नहीं बनाना है। इस आकार को रेंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये जो ओरिजिनल आकार है उसको थोड़ा सा भुलाना होगा, ओरिजिनल आकार से हमको बाहर निकलना होगा और उसको नए सिरे से सोचना होगा कि इसमें और क्या-क्या आकार बन सकते हैं, क्या हम प्रदर्शित करना चाहते हैं, क्या आकार। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि आकार को कैसे रचनात्मक रूप दिया जाए, तो आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका दिमाग है, वो भी वैसे ही कार्य करने लगेगा, यानी आपके अपने आप रूपाकार बनते चले जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हम आकार जो भी लें, सब एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि ये जो हमने स्टिल लाइफ बनाई है, इन सब चीजों में आपस में कोऑर्डिनेशन है, आपस में एक जुड़ाव है। आप देखिए, तो हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ भी सब में कोऑर्डिनेशन हो, जो भी हम चीज बना रहे हैं वो रूपाकार। ऐसा नहीं, अब जैसे मैं आपको ये रूपाकार बनाकर बता रही हूँ, जैसे अमरूद बनाया मानिए आपने, ठीक है, या आपने अमरूद का कोई पोर्शन बना दिया, यहां आपने टमाटर का कोई पोर्शन लिया है, साथ में एप्पल का कोई पोर्शन लिया है, यहां भी आपने कीवी का, कीवी के पोर्शन लिए, ठीक है। अब आप देखिए कि जो बस आपने को आकृति के ऊपर जो नजरें हैं वो तैरती भी होनी चाहिए,
एप्पल है, एप्पल का पोर्शन ऐसा भी हो सकता है, एप्पल का बीज ऐसा भी हो सकता है, एप्पल का बीज हम यहाँ भी बना सकते हैं, क्योंकि आकार हमने खुद दिया हुआ है, जो भी चीज है उसको जो रचनात्मकता है वो हम खुद प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि हमको स्पेस डिवीजन भी करना है, ऐसा नहीं हम पूरा एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लगातार ड्राइंग बनाते चले जाएं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक खुलापन भी होना जरूरी है, एक उसमें अंतराल भी होना जरूरी है जो भी हम चीज बनाए। ऐसा नहीं है कि हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक बना के उसको पूरा घिचपिच कर दें। जो हम मेन जो बनाना चाह रहे हैं, मेन जो हमारा उद्देश्य है वो हमारा फुलफिल होना चाहिए। मेन उद्देश्य जो हमारा है कि भई ये रूप सुंदर दिखे, सौंदर्य जो है उसको परिलक्षित करना अपने को, तो जो चीज बनानी है उसमें सुंदरता का होना बहुत आवश्यक है। बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मेन ड्राइंग में क्या है, सुंदरता। अगर आप ड्राइंग जितनी सुंदर बनाएंगे आपका जो रेंडरिंग है वो उतना ही सुंदर बनता चला जाएगा। जितना आप रचनात्मक रूप से सोच सकते हैं, जितना आप मॉडर्नाइज तरीके से सोच सकते हैं, उतना ही आपकी रेंडरिंग अच्छी बनती चली जाएगी। और स्पेस डिवीजन के लिए आप स्पेस को कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं, वो आपका अपनी चॉइस पर निर्भर है। देखिए आपको ये स्पेस जो बनाया वो भी चीज बीच में आ गई है, साइड में हमने स्पेस भी आपका डिवीजन हो गया है। अब आपको लग रहा है ये पोर्शन पूरा खाली है, देखिए आप इसको, अब ये रेंडरिंग आपको कहीं इसमें अधूरापन नजर आ रहा होगा ना, क्यों आ रहा है? आपको लग रहा है सब चीजें उस तरफ हो गई हैं, ये जो पार्ट है, ये जो कोना है, ये पूरा खाली है। तो हमारी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? हमारी दृष्टि सिर्फ एक तरफ जा रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारी जो दृष्टि है चित्र में पूरी तरफ नहीं तैर रही है। एक तरफ हमारी दृष्टि गई और फिर रुक गई, क्यों? क्योंकि हमने ये स्पेस काफी ज्यादा खाली छोड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे मानिए आपने कीवी का पोर्शन लिया, एप्पल का कोई सा पोर्शन लिया, इन चीजों में सब में एक जुड़ाव होना चाहिए, फिर भी आपको स्पेस खाली नजर आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि हमने जो इधर बनाया वो तल तो अभी भारी हो गया है, चित्र तल राइट साइड से हमारा भारी हो रहा है, जबकि लेफ्ट साइड से अभी इसको कहीं ना कहीं इसमें अधूरापन दिखाई दे रहा है। कुछ फर्क पड़ा? आपकी दृष्टि चित्र में तैरती हुई नजर आ रही नहीं आ रही है? इसलिए हम जब भी कोई कार्य करें आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका जो शीट है वो किसी एक तरफ से कहीं खाली ना छूटे। शीट पे जो आप कार्य कर रहे हैं, द्विआयामी तल पर कार्य कर रहे हैं, फिर आप इसको अगर बारीकी देना चाहें तो आप इसमें और भी कुछ बना सकते हैं। जैसे आप एप्पल का कोई सा पोर्शन लीजिए और अंदर, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ ही आने चाहिए सब चीजें, जिससे कि वो सुंदर लगे। फर्क पड़ा? अब ये देखिए आप किस तरह से हम लोग इसको भी डिवीजन कर देते हैं, यहां भी आपने डिवीजन कर दिया। तो आपको रेंडरिंग में काफी जितना आप बारीक काम करना चाहें वो आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप इस रेंडरिंग को बहुत बारीकी से भी बना सकते हैं और जितना आप बारीक काम करेंगे निश्चय ही वो चीज उतनी ही सुंदर लगेगी और आपकी रेंडरिंग बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस किया करिए,
मैं आपको इसी तरह से वीडियो भेजती रहूंगी। धन्यवाद।